बृहत महाकाली जो अभी जस्ट रवाना होने वाली है कुछ ही समय में, माता की विशेष पूजा की जाती है और भाई बहुत ही सुंदर तरीके से की जाती है, बार बार नजर उतारी जाती है। आप सामने देख रहे हैं माता कैसे निकलेंगे यहाँ पर, देखते हैं अभी क्या माहौल होता है यहाँ का। और हाइट देखिए माता की बहुत ही ऊंची है और चलते जाने की रास्ता देख रहे हैं आप भाई, बहुत ही ज्यादा कम। एक तरफ संजीवनी नगर की महाकाली है और एक तरफ सदर की। तो देखिए पीछे भी क्या माता का क्या रूप दिखाई दे रहा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी का दिल जबलपुर। आज हम आपको बृहत महाकाली दिखाने जा रहे हैं भाई जी, अपने गणतत्व जहां मूर्तिकार के यहां से बन के जब जाती हैं 9 दिन के लिए अपने पंडाल में तो क्या दृश्य होता है उसके बारे में आज पूरा दिखाएंगे। और भाई एक चीज़ और बताते हैं, साथ में एक दुर्गा जी भी जो साथ में ही निकलती हैं, तो भाई वीडियो देखना जरूर क्योंकि बहुत ही सुंदर वीडियो बनाया गया है। आप देख रहे हैं आधार ताल के लिए जा रही है माता और जस्ट पीछे ही एक काली माता है बृहत महाकाली जो आप सामने देख रहे हैं। देखिए बृहत महाकाली भी पीछे है और सामने दुर्गा जी हैं भाई, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। बोलो मानी की जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे देखिए माता जी मूर्तिकार के वहाँ से निकल चुकी हैं और दूसरी बृहत महाकाली जो अभी जस्ट रवाना होने वाली है कुछ ही समय में माता की पूजा करने लगे हैं, नजर उतारने लगे हैं और देखते हैं यहाँ माता की पूजा कैसी होती है, क्या करते हैं भाई। काली माता की विशेष पूजा की जाती है और भाई बहुत ही सुंदर तरीके से की जाती है, बार बार नजर उतारी जाती है। आप सामने देख रहे हैं। अच्छा हाथी ताल लक्ष्मी नगर लक्ष्मी कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के वहाँ आया बहुत ही कौन सी अच्छा भाई बहुत ही सुंदर और जस्ट रवाना हो रही है माता। आप देख रहे हैं जस्ट सामने आप देख रहे हैं एक और माता जो यहाँ से रवाना हो गई है। बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता भाई यहाँ जब लोग आते हैं माता को लेके जाते हैं, ढोल लगार बजाते हैं, बहुत ही सुंदर धूप जला के माता की आरती की जा रही है और जस्ट अभी बहुत ही सुंदर आरती होने वाली है तो आपको दिखाते रहेंगे और प्लीज़ हमारे चैनल में ऐसे ही बने रहें। भाई सामने देख रहे हैं भाई जगह और माता कैसे निकलेंगी यहाँ पर, देखते हैं अभी क्या माहौल होता है यहाँ का। और हाइट देखिए माता की बहुत ही ऊंची है और चलते जाने की रास्ता देख रहे हैं आप भाई, बहुत ही ज़्यादा कम है तो देखते हैं माता कैसे निकलती है यहाँ से। और भाई इतनी जनता बहुत भीड़ है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है और सामने देख रहे हैं आप माता मूर्ति कितनी भयंकर लग रही है और भद्रकाली जिसे बोला जाता है भाई, बहुत ही सुंदर। और देखते हैं अब आगे चलते हैं, देखें माता कैसे उठ रही है। और भाई रास्ता तो बहुत छोटी है और भाई यहाँ पे चार चार महाकाली हैं और भाई चार चार महाकाली का आप मीनिंग समझ ही रहे होंगे कि भाई क्या। देखिए धीरे धीरे हिल रही है माता और देखते हैं भाई क्या होता है आगे चल के। देखिए आप सामने देख रहे हैं भाई बहुत ही दिक्कत जा रही है कि माता को निकालने में, मगर लोगों का जुनून भाई हद चढ़ के बोल रहा है और यहाँ पे भीड़ इतनी भीड़ है कि क्या बताएं। माई को निकालने के लिए थोड़ी पक पक
माँ उछल उछल के आ रही हैं और भाई अपने रथ में बैठ के भाई यहाँ से रवाना होंगी। और भाई बहुत ही सुंदर नज़ारा है, एक तरफ संजीवनी नगर की महाकाली है और एक तरफ सदर की। भाई यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने मिलेगा, आमने सामने माता रही और भाई इतना सुंदर। और जस्ट जो थोड़ी ही पग बचा हुआ है माता को यहाँ से पंडाल से निकलने में, भाई बहुत ही सुंदर। माँ को कम से कम 2 घंटे लग चुका है, 2 से 2.5 घंटे बाहर निकलने में ही खाली, पर क्या करें, धीरे धीरे और दिक्कत भी आ रही थी क्योंकि जगह कम रही, तो भाई फिर भी माता बहुत ही आसानी से निकल आई है भाई, बहुत ही सुंदर। और आगे देखते हैं अब क्या होता है, और सब चीज़ व्यवस्था की गई है मूर्तिकार ने भी। माई को भाई, माई को उठाने के लिए भाई कई लोग लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप सामने, भाई नीचे भी कितने सारे लोग देख रहे हैं उठे हुए हैं कि भाई को, माई को उठाने के लिए। और लोगों का उत्साह है कि भाई माई को उठा के ट्राले के ऊपर विराजमान करेंगे, और ट्राला भी आ चुका है अभी, जस्ट ऊपर उठाते ही साथ माता रवाना होंगी। और भाई बहुत ही सुंदर तरीके से लाइट आइट सब बैंड बाजा सब आ चुके हैं, देखिए माँ को ट्राले के ऊपर रख दिया गया है भाई, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और जस्ट अभी ये राउंड होंगी और राउंड होने के बाद भाई बहुत ही सुंदर लाइटें आइटें सब व्यवस्था की गई है, और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे यात्रा इनकी निकाली जाएगी। भाई बहुत सारी भीड़ है, देख रहे सामने बिल्कुल लाइट आइट जला दी गई है भाई, और यहाँ पर माता बहुत ही सुंदर दिख रही हैं। और सामने देख रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा हजूम है, बहुत ज़्यादा। और जस्ट मैं अभी पीछे आया तो देखिए पीछे भी क्या माता का क्या रूप दिखाई दे रहा है, और जस्ट अभी माता यहीं से रवाना होंगी और 2 घंटे या 3 घंटे माता को लगेगा जाने में। भाई देख रहे हो भीड़, क्या भीड़ है यार भाई, बहुत सारी भीड़ है, लोग माता के दर्शन के लिए आए हैं बहुत दूर दूर से। और भाई माता का जब विसर्जन होता होगा तब कितनी भीड़ रहती होगी, आप सामने देख रहे हैं भाई। वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।